अब कैसा फील कर रहे हैं पायल जी? काफी बेहतर है। जब से वो मसाज शुरू की है, जैसे पैरों में जान सी आ गई है। पहले तो बिल्कुल ही सेंसेशन नहीं थी। गुड, मसाज और दवाइयाँ दोनों अपना असर दिखा रही हैं। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देना और थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करना। जी। पायल कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? ऊपर वाले ने चाहा तो बस एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और अगर भगवान नहीं चाहेगा तो जिंदगी भर यूं ही लेटी रहूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। मरीज को दवाइयाँ शुरू करने से पहले चाहिए कि अपने दिल में ऐसा इरादा पैदा कर ले कि उसे हर हाल में ठीक होना है। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मत खुदा। वाकई सुमित साहब, आपकी देखभाल काम आ रही है। अच्छा, मुझे आप रोज़ टेलीफोन करके बताते रहना कि आपकी कैसी तबीयत है। क्यों सुमित साहब? अच्छा पायल जी, टेक केयर, मैं चलता हूँ। ओके ओके, बाय। वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, अनहोनी हो गई है। तो डॉक्टर की बात है और पायल की हालत देखकर मैं तो नाउम्मीद हो गया था। भैया, जो ऊपर वाले पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर कहता क्या है, कब तक पायल चलने फिरने लग जाएगी? भैया, डॉक्टर तो कहता है कि शायद हफ्ते भर में चलना फिरना शुरू कर दे। हाँ। ये तो अच्छा है कि पायल के पैरों में थोड़ी सेंसेशन है, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि पायल कल की ठीक होती आज ठीक हो जाए। बेचारी की हालत देखी नहीं जाती, कितनी खुश रहा करती थी, अब उसके चेहरे पर उदासी कैसे को देख सकता है। उम्र ही क्या बेचारी की। यही दुख तो मुझे भी है भैया। अरुण भैया वैष्णो देवी गए हैं, शायद उन्होंने पायल के लिए मन्नत मांगी होगी। जो चीज नामुमकिन थी वो मुमकिन लगने लगी है। हो सकता है अरुण की मन्नत पूरी हो गई हो। हो सकता है भैया, क्योंकि डॉक्टर ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, और मुझे भी लगने लगा था कि पायल तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। ऊपर वाला है ना, इंसानों को कभी कभी आजमाता भी है, हो सकता है वो हमें आजमा रहा हो। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मुझे और पायल को करीब लाने के लिए ऊपर वाले ने यह हादसा किया है। हो सकता है। और भैया, अरुण भैया और देवेंद्र भाभी को जब ये पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। अरुण तो जब आएगा तभी उसे ये खुशखबरी मिलेगी, और हो सकता तब तक पायल चलने फिरने भी लग जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। तब तक तुम दिव्यानी को तो फोन कर ही सकते हो ना। नहीं भैया, अरुण भैया ने अपने ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ रखा है। अगर मैं फोन करूंगा तो वो मुझ पर नाराज हो जाएंगे। बेहतर यही होगा कि देवयानी भाभी जब वापस आ जाएंगी तो उन्हें ये खुशखबरी दूंगा, तो बहुत खुश होंगी। पायल, दवाइयां खाली? चलो आज हम चलेंगे। आओ। नहीं नहीं आओ, कुछ नहीं, चलो आ जाओ। सुमित, मुझे डर लग रहा है। अरे कोई डरने की बात नहीं, चलो उठो प्लीज, चलो। अरे अरे पायल, कम ऑन, चलो उठने की कोशिश करो, धीरे धीरे चलेंगे। चलो, वी हैव टू ट्राई, कम। वेरी गुड। अरे बस बस और नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम उठने की कोशिश तो कर रही हो, धीरे धीरे। ओके पायल, डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। आज हम देखो बिस्तर से उतरे हैं, कल हम कमरे के बाहर जाएंगे, फिर घर से बाहर, और फिर धीरे धीरे दौड़ने फिरने लगेंगे। फिर मैं ऑफिस जाने लगूंगी, काम करने लगूंगी, घर देर से आने लगूंगी, तो मेरा इंतजार करने लगोगे और फिर हम झगड़े शुरू हो जाएंगे। शट अप पायल, मत करो ऐसी गलत बातें। ऊपर वाले ने बड़ी मुश्किल से तो हमारी गलतफहमियां दूर की हैं। अब तुम ठीक हो जाओगी तो हम सोच समझ के जिंदगी गुजारेंगे, तो झगड़े का सवाल उठता ही नहीं है। सुमित, शादी के बाद आधे से ज्यादा जिंदगी हम लोगों ने लड़ाई झगड़े में गुजार दी, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। पायल, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। आई लव यू पायल, आई लव यू। क्या बात है आरती, रोहित का इंतजार कर रही हो? जी आंटी, रोहित का ही इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा था कि वो 9 बजे घर आ जाएगा, अब तो 11 बज चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं।
पता नहीं वो ऑफिस में कौन सा इतना काम करते रहता है कि मुझे और घर को बिल्कुल ही भूल गया है। नहीं आरती, रोहित के बारे में ऐसा गलत मत सोचो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। अब हमें देखो, हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। कहीं काम में फंस गया होगा, काम भी तो कितने होते हैं और हम लोग उनके बारे में कुछ भी गलत सोचते रहते हैं। भगवान जाने उन्हें कितना काम करना पड़ता है। मैं समझती हूँ आंटी के ऑफिस में काम है, मगर घर में एक पत्नी है, उसे ये भी तो याद रखना चाहिए। इतने काम करने की क्या जरूरत है। प्लीज आरती। मैं देखती हूँ, शायद रोहित ही आया होगा। आरती देखो, प्यार मोहब्बत से बात करना, झगड़ा बिल्कुल मत करना। आरती क्या बात है, मुंह फुला करके बैठी है। टाइम देखा है तुमने, रात के 11 बज चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ, हर रोज बजते हैं। मजाक मत करो रोहित, ये कोई वक्त है घर आने का? तुमने कहा था तुम 9 बजे आओगे, और अब ऑफिस के अलावा तुम्हारे घर में एक पत्नी भी है, पर शायद तुम्हें ऑफिस में रहना ज्यादा पसंद है। आरती तुमको मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं दफ्तर से आऊं तुम ये मुंह सुझा के मेरे सामने मत बैठा करो। आज तक जब मैं दफ्तर से आता हूं तुमने कभी मुझे एक गिलास पानी का भी पूछा है? खैर छोड़ो पानी को, कम से कम तुम मुझसे ये तो पूछ सकती हो ना कि मैं कहाँ अटक गया था। तुम क्या समझती हो मैं ऑफिस जाके काम नहीं करता, गुलछरे उड़ाता हूँ? मैं जानती हूँ तुम ऑफिस काम करने जाते हो, पर तुम अकेले नहीं हो उस दुनिया में जो ऑफिस काम करने जाता है। और वैसे भी तुम्हें इतना काम करने को कहता कौन है कि तुम अपने घर और बीवी को भूल जाते हो। हमारी शादी अभी अभी हुई है, क्या तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने कभी भी ले जाते हो? पूरा पूरा दिन घर में पड़ी रहती हूँ मैं। शादी के पहले तो ठीक था, तुम कम से कम 2 मिनट बैठकर मुझसे प्यार की बातें किया करते थे। तो अभी क्या मैं तुम्हें पत्थर मारता हूँ? मैं तुमसे उतना ही तो प्यार करता हूँ। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। आरती तुम तो जानती हो सुमित चाचा पायल चाचा के घर पे ख्याल रखते हैं, अरुण भैया बाहर मीटिंग करने गए हुए। ऑफिस में इतना काम है, इतना बोझ है, और इतने इतने डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो सारा बोझ मुझ पर ही आता है ना। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं काम छोड़ दूं? वो सब मुझे नहीं पता रोहित, तुम खाने के वक्त से पहले घर आ जाया करो, ऑफिस के काम के लिए किसी और को रख लो। आरती तुम कैसी बात करती हो, तुम्हें समझ है कि नहीं, कुछ कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानती। आरती मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा वक्त पे आया करूँगा। अब मुझे भूख लग रही है, खाना तो खिलाओ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा सकता। तो मैं क्या तुम्हारे बिना खा लेती हूँ? मैं कब कह रहा हूँ आरती, अब गुस्सा थूक दो ना। मैं तुम्हें कह दिया कि मैं वक्त पे आया करूंगा, और अगर आइंदा मैं वक्त पे नहीं आया तो मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा, बस। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे 2-3 दिनों के लिए कहीं घुमाने ले जाओगे। पक्का वादा, चलो अभी मुझे खाना खिलाओ। तुम्हारी घड़ी। हाँ, शाम को कितने बजे आओगे? आरती तुम ये बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछती हो, मैं कोई फैक्ट्री में वर्कर हूँ तो सुबह 9 बजे जाऊंगा और 5 बजे आऊंगा? अरे मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, अब जितना काम है खत्म करूंगा आ जाऊंगा। इसका मतलब तुम फिर लेट आओगे। ओफो आरती, ये तुम्हें क्या हो गया, ये बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछती हो, कितने बजे आओगे? आरती प्लीज स्टॉप कॉस्टिंग मी दिस क्वेश्चन, ओके, एंड डोंट इरिटेट मी नाउ। देखा बाबूजी, मेरा कहा भी ठीक निकला ना, आपकी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कल रात आरती और रोहित में फिर झगड़ा हुआ। बाबूजी कुछ कीजिए वरना बात बिगड़ जाएगी। मैं एक बात कहूं, इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आरती की ही होगी। बाबूजी गलती किसी की भी हो लेकिन उसे सुधारनी तो पड़ेगी ना। बाबूजी मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ना समझाने से नहीं सुलझने वाली, आप उन दोनों को बैठाइए और उन दोनों के दिमाग से वो गलत फहमियां दूर कीजिए। इससे भी कुछ नहीं होगा, झगड़े की जड़ ना तो आरती है और ना ही रोहित। तो और कौन है? झगड़े की जड़ है रोहित का ऑफिस में ज्यादा बिजी होना, वो आरती को टाइम नहीं दे पाता है, वादा करके भी भूल जाता है और इसी से आरती भड़क जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोहित को ऑफिस जाने से रोक दें? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह से रास्ता निकाला जाए जिससे रोहित और आरती के बीच का मामला सुलझ जाए।
इसका तो एक ही रास्ता है कि मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं। सुमित, तुम ऑफिस की जिम्मेदारी के साथ साथ पायल की देखभाल कर पाओगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ना वो बिजनेस संभाल पाएगा और ना ही पायल की देखभाल कर पाएगा। तो फिर पायल के लिए कोई नौकरानी रख ले। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। तो फिर मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। इससे रोहित का बोझ भी हल्का हो जाएगा, वो आरती को टाइम दे पाएगा और मैं भी बिजी हो जाऊंगा। घर बैठे बैठे तो मैं बोर हो गया। नहीं राज, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो इस घर के मेहमान हो। तो आज तक आप लोग मुझे एक मेहमान ही समझ रहे हो जी? नहीं, नहीं, क्या है कि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने से एक अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। भैया ठीक कह रहे हैं, रोहित बिजनेस को समझ चुका है, अब उसे मेरे ख्याल से किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि रोहित और आरती के बीच का झगड़ा किसी तरह से मिट जाए। बाबूजी, इस आदमी को मैं आज तक नहीं समझ पाया। बाबूजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बेटा, तुम जानते हो शादी का मतलब क्या होता है? जी हाँ बाबूजी, जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ कहना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। तुम दोनों इस घर में काफी अरसे से रह रहे हो, एक तरीके से इस घर का हिस्सा बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम दोनों से एक बेटे और बहू की तरह बात करना चाहता हूँ। बाबूजी, आप जो भी कहेंगे हमारे लिए हुक्म है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हुक्म को मानने के लिए। देखो बेटे, जिस घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, उस घर से शांति चली जाती है, यहां तक कि लक्ष्मी भी भाग जाती है और पूरे घर में मनहूसियत छा जाती है। क्या तुम चाहोगे कि इस घर में मनहूसियत छा जाए? नहीं बाबूजी। तो फिर तुम बार बार आरती से झगड़े क्यों करते रहते हो? बाबूजी, झगड़ा मैं नहीं करता, शुरुआत हमेशा यही करती है। माफ करना, शुरुआत मैं नहीं करती, तुम ही ऐसी वैसी हरकतें करते रहते हो और मुझे कुछ ना कुछ कहने पर मजबूर कर देते हो। मैं ऐसी वैसी कुछ हरकत नहीं करता। बाबूजी, अब आप ही बताइए, अगर ऑफिस के काम में थोड़ी सी देरी हो जाए तो इसका मुझ पर शक करना क्या जायज है? लेकिन बेटे, तुम अकेले क्यों सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो? राजेश और अरुण भी तो हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जल्द से जल्द तरक्की करे, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तो इसमें है कि तुम डिनर का वादा मुझसे करते हो और बिजनेस के बहाने किसी दूसरी लड़की के साथ डिनर करके आते हो। मैं गुलछड़े उड़ाने की नीयत से डिनर नहीं करता। बिजनेस के सिलसिले में डिनर पे बाहर जाना पड़ता है तो ही मैं बाहर जाता हूँ। रोहित, जिस बिजनेस में तुम इन्वॉल्व हो ना, वो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, उसे मैंने एस्टैब्लिश किया था। लेकिन कभी मैं रात को डिनर लेने के लिए नहीं गया और ना ही घर वालों को कभी परेशान किया। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छामूझ के कर रहा हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। आरती, तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हाँ, इस पर हाथ उठाओगे? इतनी बड़ी हरकत तुम मेरे सामने कर सकते हो, इसका मतलब गलती तुम्हारी है। भौजी, मैं बस बेटे बस, मैं और ज्यादा सफाई सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी इस हरकत से मुझे पता चल गया है कि गलती किसकी है। झगड़े तुम ही करते हो और तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर वाले कितने परेशान हैं। रोहित, एक बात ध्यान में रखना, आज के बाद अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली, याद रखो रोहित, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। जाओ बेटी, बैठो। रोहित से जो कुछ कहना था वो तो उसे मैं कह चुका, लेकिन कुछ बातें तुम्हें भी कहनी जरूरी है। बेटी, पति पर शक करना बहुत बुरी बात है, हर बात पर उसे टोकने से वो जिद्दी बन जाता है और गलतियां करना शुरू कर देता है। बस इस बात को भूलना मत बेटी, जाओ खुश। रोहित, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है।
और आज तो ऐसी बात हो गई जो कभी पहले हुई नहीं। ऐसी क्या बात हुई? आंटी आप तो जानते हैं जब से मैं इस घर में आया हूँ मैं किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुमसे किसको क्या तकलीफ हो सकती है? आंटी आप जानती आरती और मेरा झगड़ा चल रहा है, मैं उसको इतना समझाता हूँ लेकिन वो बात समझती नहीं, यहाँ तक कि सारे घर वालों ने मिलकर उसे समझाया वो फिर भी नहीं मानती, और आज तो बाबूजी ने उसकी वजह से मुझे डांट दिया। अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? अब बाबूजी की नजर में तो मैं गिर चुका हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? बाबूजी ना समझ नहीं है, उन्हें पता है कि पति पत्नी में इस तरह के झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन झगड़ा तो आरती की वजह से होता ना, रिश्ता तो मैं भी हूँ ना बीच में। तुम इस तरह की बातों को ध्यान क्यों देते हो? तुम उसकी बात को ध्यान ही मत दो तो झगड़ा ही नहीं होगा। मैं तो यही कोशिश करता हूँ लेकिन कब तक अपनी जुबान बंद रखूं? जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मुझे भी तो अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, ये अचानक क्या हो गया? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आता। छोड़ो इन बातों को, तुम टेंशन लेकर अपने दिमाग को क्यों खराब करते हो? आंटी मेरी भी कोई इज्जत है, जब वो मुझ पे शक करती है मुझे बातें सुनाती है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने ये शादी की क्यों। ऐसा नहीं कहते, लेकिन आरती मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बुरी बात है रोहित, अगर तुमने ऐसी बात दिल में ले ली तो आरती के दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। अब कौन सी कसर बाकी रहती है, उसे तो मुझे सब घर वालों के सामने जलील कर ही दिया। बाबूजी ने तुम्हें डांट क्या दिया, बस तुमने इस बात को दिल में ले लिया और सोच लिया कि तुम जलील हो गए। जरा सोचो, बाबूजी की जगह पे तुम्हारे पिता होते तो तुम क्या ऐसे ही सोचते? अरे बाबा, बाबूजी ने तुम्हें अपना बेटा समझकर डांटा है, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है?